और इसी वंश में आगे चलकर खट्वांग जी का जन्म हुआ है कि खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। इन महाराज खट्वांग के पुत्र हुए थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे रघु, जिनके नाम से इस वंश का नाम भी रघुवंश पड़ा। इन महाराज रघु के पुत्र हुए थे अज, अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ, और जिन दशरथ जी के यहाँ भगवान ने चार रूप से अवतार धारण किया है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चार रूप से अवतार लेकर दशरथ जी के यहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। और कैसे प्रकट हुए हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में कितना सुंदर वर्णन करते हैं, आइए हम लोग भगवान राम की बड़ी अद्भुत झांकी का आंखों से दर्शन भी करेंगे, गाएंगे भी, और आगे फिर भगवान कृष्ण के जन्म की ओर हम लोग चलेंगे। कैसे भगवान राम प्रकट हुए बड़े प्रेम से गाइए कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बहुत विदिन कही कथा सुहाई मात बुझाए कई प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजोतात रूपा की जय सुख परम अनोखा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूखा यह चरित जे गावै हरि पद पावै ते न परै प्रब को राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। देखो चारों भैया छोटे छोटे हमारे बीच में साक्षात प्रकट हो गए हैं, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए। देखो अभी हम भगवान कृष्ण की बधाई तो गाएंगे ही, लेकिन भगवान राम साक्षात प्रकट हुए हैं
तो एक बधाई भगवान राम की भी हम गाते हैं बड़े प्रेम से, है ना। और फिर आगे बालकृष्ण की ओर हम लोग चल रहे हैं। आइए बड़े भाव से गाइए कि प्रगटे हैं चारों भैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, प्रगटे हैं चारों प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, गाइए प्रेम से, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, क्यों बाजे, क्योंकि प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में ऐसे नहीं, प्रेम से ताली बजाते हुए राजा रामचंद्र भगवान की हो। गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, हो गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन में धूम मची है, बाज रही बाज रही शहनैया, अवध में बाजे भैया, बाज रही शहनैया, अवध में बाजे भैया, क्योंकि प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे, बधाई हो। कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे भैया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे भैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, आज माँ कौशल्या तो खूब हीरे मोती लुटा रही हैं, माता कैकेयी माता सुमित्रा खूब हीरे मोती लुटा रही हैं, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे रुपया, अवध में बाजे भैया, राजा लुटावे रुपया, अवध में बाजे भैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया, झांझ मृदम ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे,
ढप बाजे नाचत नाचत ताता थैया ओ नाचत ताता थैया अवध में बाजे भलैया नाचत ताता थैया अवध में बाजे भलैया ओ प्रगटे हैं दारो भैया अवध में बाजे भलैया ऐसे नहीं अंत में दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से एक बार कहिए श्री राम है राजा रामचंद्र भगवान की हो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भलैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भलैया ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भलैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भलैया ओ बाजे भलैया बाजे शहनैया बाजे भलैया बाजे बाजे बधैया बाजे शनैया जाओ क्योंकि प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की एक बार चारों भैयाओं के लिए जोरदार सब ताली बजाइए कितने सुंदर कितने प्यारे से ठाकुर जी हमारे बीच में प्रकट हुए इस प्रकार से सब लोग यथा स्थान पुनः विराजमान हो जाएं हम लोग बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चल रहे हैं बंधुओं सब लोग यथा स्थान बैठ जाएं तो भगवान राम प्रकट हुए हैं और सुखदेव जी ने एक श्लोक में भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया है अब समय तो नहीं है जो मैं पूरी राम कथा आपको सुनाऊं क्योंकि वैसे भी आप लोग तो जानते हो कि राम कथा तो 9 दिन होती है ना और 9 दिन में भी पूरी नहीं हो पाती तो 9 मिनट में मैं कैसे सुना सकता हूं हा? तो इसलिए हम एक बार दोनों हाथ जोड़कर भगवान राम के चरणों में प्रणाम करें और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान राम का हाथ ध्यान करें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सुखदेव जी भी एक श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं कि गुरवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर दनु बनम पद्म पद भ्याम प्रियायाः पाणी स्परसा क्षमाभ्याम रजत पतुर्जो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचुरपणक्षा प्रिय विरहरुषा रोपित ब्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः एक श्लोक में सुखदेव जी भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं वंदन कर रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर गुरुवर थे त्यक्त राज्य जिन्होंने अपने पिता दशरथ की आज्ञा पर राजमहलों के सुख को छोड़ दिया था अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जिन भगवान ने बन बन में नंगे पांव विचरण किया जिन्होंने
उस अधर्म के प्रतीक रावण का संहार किया था, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, वंदन करें। बोलो राजा राम चंद्र भगवान। देखो यहां दो अध्याय में संक्षिप्त में भगवान राम का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है, लेकिन लोग पूछा करते हैं कि महाराज भगवान कृष्ण से पहले ये राम जी का चरित्र क्यों भागवत में आया, इसके पीछे क्या कारण था, क्यों सुनाया गया? तो देखो एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बात तो ये कि भगवान राम का है चरित्र और कृष्ण की है लीला। प्रेम से कहो श्री राधे, राम का है चरित्र, कृष्ण की है लीला, और कृष्ण की लीला से पहले राम का चरित्र भागवत में आया है। यानी कि जब तक तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक कृष्ण की लीला में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण की लीला उसको ही समझ में आती है जिसका चरित्र अच्छा है। यदि चरित्र अच्छा नहीं होगा तो भगवान कृष्ण की लीला में बार बार शंका होगी। भगवान ने 16,000 शादियां क्यों की थी कृष्ण ने? लोग शंका करते हैं ना, क्यों 16,000 विवाह किए भगवान ने? चलो कोई बात नहीं, भगवान ने 16,000 कर लिए तो हम भी कम से कम 16 तो कर लें। प्रेम से कहो श्री राधे, ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,000 किए तो हम भी 16 तो करें। कोई बात नहीं, 16 कर सकते हो, लेकिन यह भी याद रखना कि भगवान कृष्ण ने 16,000 विवाह किए थे, लेकिन इतने विवाह करने के बाद भी भगवान कृष्ण के सिर में कभी दर्द नहीं हुआ, और आज एक पत्नी वाला भी सिर पकड़ के बैठा है। प्रेम से कहो श्री राधे, हम लोग भगवान कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी लीला पर मत चलो, जो मैं कर रहा हूं वो तुम मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। और भगवान राम कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो। राम के चरित्र पर चलो और कृष्ण के वचन पर चलो। आप यदि देखना है कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए तो भगवान राम के चरित्र से हम शिक्षा लें। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, हम भगवान राम के चरित्र से सीखें। कृष्ण के वचन पर चलना है, राम के जीवन पर चलना है। क्यों? आज राम बनने की ही आवश्यकता है, क्योंकि आज घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं। हाँ, आज राम बनने की जरूरत है, क्योंकि घर घर में रावण आ रहे हैं। आज बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, पर यहां तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहां तो घर घर में आज रावण पैदा हो रहे हैं, राम बनने की जरूरत है। आज इतनी आग कहां लगाऊं, इतने रावण कहां जलाऊं, घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण आ गए हैं, आज राम बनने की जरूरत है। राम के चरित्र पर हम चलें। तभी तो कबीर दास जी ने कहा कि जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना, राम बिना घनश्याम बिना, राम बिना घनश्याम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना। भगवान राम का चरित्र हम देखें कितना अद्भुत था।